विपक्षी दलों का आज विरोध प्रदर्शन है, राजभवन मार्च है, संदीप सौरभ है। सर, इस योजना के केंद्र सरकार फायदे गिना रही है, आप लोग किस हिसाब से विरोध कर रहे हैं आज विरोध प्रदर्शन? देखिए, योजना का फायदा सरकार नहीं गिना रही है, असल में वो मूल सवाल से बच रही है। मूल सवाल यही है कि 75% जो लोग 4 साल के बाद बाहर आएंगे, उनका फ्यूचर क्या है, उनको कहाँ रखेंगे आप? बाकी जितनी तामझाम की बातें कही जा रही कि बाहर 10%, वहाँ रिलैक्सेशन दे देंगे, वहाँ आरक्षण दे देंगे, आप तो कहीं पद भर ही नहीं रहे हैं, कहीं तो वैकेंसी बचा ही नहीं है। जो बाहर से पहले से तैयार लोग हैं, जो सेना में नहीं जा रहे हैं, जो बाकी जगह जाने के लिए तैयार हैं, वो फिर क्या करेंगे? तो इसका जवाब देने के बजाय दुनिया भर का उलझुल बात सरकार कह रही है, सेल्समैन की भाषा होगी इनकी। इस ऑफर से आप संतुष्ट नहीं है तो थोड़ा ऑफर और लीजिए, बढ़ा दिए, थोड़ा और बढ़ा दिए, पूरा बार्गेनिंग के टोन में सरकार बात कर रही है। लेकिन मूल सवाल वही है कि जो पहले का ढांचा था आर्मी का, वो ढांचा बरकरार रखते हुए सरकार पिछले बहालियों को क्लियर क्यों नहीं करवा रही है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास सिर्फ चुने हुए लोग हैं जो टीवी में बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। जनता में आकर के जनसभा करके वो समझाने की कोशिश करें। युवा राजनेताओं की भी ये दायित्व है कि जनता में आकर युवाओं को समझाने की कोशिश करें क्या मसला है। कई लोगों पर आरोप लगा है कि भड़काने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सरकार आरोप लगा रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा। नौजवानों को टीवी डिबेट में जो चैनल में बैठ करके लोग बात रख रहे हैं, उनसे ज़्यादा नौजवानों को पता है कि इस योजना के अंदर खामियां कहां कहां हैं, इसलिए उनको कोई भड़काएगा इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सेना के जो प्रमुख हैं वो भाजपा प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं, तो क्या भाजपा के लिए सेना काम कर रही है? भाजपा प्रवक्ता की भाषा कहिए या कहिए कि 70 साल में पहली बार हुआ कि सरकार के डिफेंस में तीनों सेना प्रमुखों को मंच पर उतार दिया गया। आप सरकार के डिफेंस में तर्क दीजिए, बार्गेनिंग वहाँ से आप कीजिए, हम लोग थोड़ा सा थक गए हैं, अब आप कीजिए। ये टोन देश का कभी नहीं था, सेना प्रमुख इसके लिए नहीं होते हैं। सरकार की ये जवाबदेही है, सरकार तय करेगी कि हमको वापस लेना है कि नहीं लेना है, सेना प्रमुख को सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है उसको। तो बकवास बातें हैं, इसमें कोई 24 तारीख से बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, आप लोगों की क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति है कि 24 तारीख को पूरे देश में अग्निपथ योजना वापस लो, इस नाम से आवाज़ उठाई जाएगी, बुलंद की जाएगी। हम लोग बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो। आंदोलन को अभी जहां जिस स्टेज में यह आंदोलन है, वहां पे हम लोग को किसान आंदोलन से सीखना पड़ेगा कि टिकाऊ आंदोलन कैसे चले। तो किसान आंदोलन से सीखना पड़ेगा छात्रों को कि यह आंदोलन टिकाऊ कैसे हो और लंबे समय तक कैसे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।